Good morning, students. Very soon I'm going to start the first unit from your book Communicative English. Now turn to page 6. Okay, children, the name of this lesson is The Mice That Ate Iron. Matlab ek mice chuhe jo iron ko kha gaye. Okay, lohe ko kha gaye. To जब जो भी टाइटल होती है चिल्ड्रेन, द टाइटल जस्टिफाइज द लेसन. मतलब टाइटल को पढ़ के ही रीडर्स, जो आप लोग अभी रीडर्स हो, उनको पता चल जाएगा, जाता है कि स्टोरी में क्या होने वाला है, में थीम क्या है. तो यहाँ यू हैव अंडरस्टूड कि स्टोरी इज कनेक्टेड विद द माइस एंड आयरन. बट इज दिस पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल हो सकता है रियल वर्ल्ड में कि माइस जो है आयरन को खा जाए? लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट व्हाट हैपेंड. Now this story is also giving us a message. Okay, एक moral value देती है. Okay, आप लोगों को वो moral value क्या है? That we should not be greedy and cause pain to others. So let's start the story. The main character of the story is Maniram. All right, Maniram एक merchant था, businessman था, और उसके सबसे precious position थी. Position मतलब वो सामान जिसके आप मालिक हो. तो पोजिशन, तो सबसे हार्टिली कनेक्टेड प्रेशियस सामान मनीराम का क्या था? वो था अ पेयर ऑफ आयरन स्केल. पेयर ऑफ आयरन स्केल का मतलब यस, तराजू. तो आई हैव टू गो आउट ऑफ टाउन, आई एम अफ्रेड समवन विल स्टील दिस वेइंग स्केल व्हाइल आई एम अवे. तो वो एक दिन सोचने लगा कि उसको घर से बाहर शहर में जाना है, टाउन मतलब शहर. And he was feeling scared. He was afraid that someone कोई कोई न आके उसके वो weighing scale को, तराजू को चुरा ना ले. Okay, while he was away. So what did he do? He requested his friend Lakshman to keep them safe for him. तो मनीराम किसके पास गए? लक्ष्मण, उसके दोस्त लक्ष्मण के पास गए, ताकि वो लक्ष्मण जो है उसके तराजू को की देखभाल करे. तो मनीराम अपनी तराजू किसके पास रख के गए? अपने फ्रेंड लक्ष्मण के पास. एज ही थॉट दैट लक्ष्मण वॉज हिज वेरी ट्रस्टवर्दी फ्रेंड, और वो उसके आयरन स्केल्स को सेफ रखेंगे. सो दिस इज ऑल आई हैव लेफ्ट इन द वर्ल्ड, प्लीज विल यू लुक आफ्टर माई स्केल्स. तो मनीराम लक्ष्मण से बोलते हैं कि ये उसके लिए यही सबसे वैल्यूएबल पोजिशन थी. तो प्लीज ही रिक्वेस्टेड लक्ष्मण टू टेक केयर ऑफ his स्केल. सो वॉट डिड लक्ष्मण से? ऑफ कोर्स. देन मनीराम वेंट ऑफ ऑन his जर्नी विद एन ईजी माइंड. मनीराम अपने जर्नी शुरू कर दिए, जर्नी पे चले गए विद एन ईजी माइंड, मीन्स बेफिक्र होके, विद अ पीस ऑफ माइंड. बट ही हैड अ नास्टी सरप्राइज व्हेन ही रिटर्न. जब वो वापस लौटे, उनको एक सरप्राइज मिली. सी चिल्ड्रन, देयर मे बी टू टाइप्स ऑफ सरप्राइजेस, अ जॉयफुल वन एंड अ नेस्टी वन, मीन्स अ सॉरोफुल वन. तो मनीराम जब वापस शहर से लौटे, तो उसको एक सॉरोफुल सरप्राइज मिली. वॉट वॉज द सरप्राइज? नाउ वील कम टू नो चिल्ड्रेन. वॉट डू यू मीन यू नो लॉन्गर हैव माई स्केल्स? वॉट हैपेंड? तो नेचुरली मनीराम जाके लक्ष्मण से वही बोलने लगे कि वॉट डिड ही मीन, वो क्या कहना चाह रहे थे कि अब उनके पास वो स्केल्स नहीं है. ओके, बिकॉज लक्ष्मण ने उनको कहा होगा कि उनके पास स्केल्स नहीं है, तो तराजू नहीं है. तो मनीराम ने पूछा कि क्या हुआ उनके तराजू के साथ. तो लक्ष्मण ने क्या कहा? आई ट्राइड टू सेव योर स्केल्स बट सम माइस गॉबल देम अप. तो लक्ष्मण ने कहा कि उसने बहुत सेव करने की कोशिश की थी उसके स्केल्स को, उसके तराजू को, लेकिन कुछ चूहे आए. माइस मतलब प्लूरल फॉर्म ऑफ माउस, माउस सिंगुलर, माइस प्लूरल. तो लक्ष्मण ने कहा कुछ माउस आए और उसके सारे तराजू को खा गए जो आयरन के बने थे. मनीराम वॉज नो फूल, ही गेस दैट लक्ष्मण वॉज लाइंग. मनीराम फूलिश नहीं थे, वो समझ गए कि लक्ष्मण झूठ बोल रहा है. बट ही डिडंट वॉन्ट टू आर्ग्यू फर्दर विद लक्ष्मण. तो उसने एक ट्रिक सोचा, एक प्लान करने के लिए सोची, जिससे लक्ष्मण अपने से ही ट्रुथ को, सच्चाई को एडमिट कर देगा. एडमिट मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? जब हम अपनी गलती मान लेते हैं, किसी चीज़ को मानना है ना, उसको कहते हैं एडमिट करना. तो मनीराम ने सोचा कि वो एक ऐसी प्लानिंग करेगा, ऐसी ट्रिक खेलेगा, जिससे लक्ष्मण अपने आप ही सच्चाई मान लेगा.
never mind my friend, it is just my bad luck. So Maniram had already thought what he had to do henceforth, so usne aise pretend kiya. All right, us Lakshman se kaha, no, never mind, wo uski bad luck thi. Thank God he had accepted my excuse. Lakshman ko laga ki Maniram foolish hai, aur Maniram ne uske excuse ko maan liya ki mice ne uske taraju ko kha gaya tha, jabki taraju greedy होने की वजह से लक्ष्मण खुद अपने पास रख चुका था, and he didn't want to give back to Maniram. All right, let's continue with the story. Lakshman had not thought it would be easy to fool Maniram. When Maniram asked for a favor, he was happy to agree. तो Lakshman had not thought it would be so easy to fool Maniram. लक्ष्मण को पहले ये सोचा ही नहीं था कि Maniram को foolish बनाना इतना easy होगा. तो इसीलिए जब मनीराम ने लक्ष्मण से वापस एक फेवर मांगी, एक हेल्प मांगी, तो लक्ष्मण एग्री हो गया. तो व्हाट वाज दैट फेवर अगेन दैट मनीराम आस्क्ड फ्रॉम लक्ष्मण, वो ये था कि आई वांट टू बाथ इन द रिवर बिफोर आई गो होम, कैन योर सन हेल्प कैरी माय थिंग्स. तो मनीराम ने लक्ष्मण से कहा कि घर जाने से पहले, होम जाने से पहले वो नदी में नहाना चाहता है, और आप लोगों को पता ही है चिरन कि वो अभी अभी टाउन से आए थे, उनके पास बहुत सारे सामान थे. तो ही रिक्वेस्टेड लक्ष्मण कि वो अपने लड़के को उनके साथ भेजे सो दैट ही कुड कैरी हिज गुड्स, हिज थिंग्स. सो सर्टेनली लक्ष्मण ने कहा गो एंड ही टोल्ड हिज सन टू हेल्प मनीराम. थैंक यू, आई विल बी बैक सून. तो मनीराम ने थैंक यू कहा. ओके नाउ फर्दर ऑन, After his bath, Maniram took the boy home and locked him inside. Then he went back to Lakshman's house and began to weep loudly. So after bath karne ke baad, nahane ke baad, Maniram Lakshman ke ladke ko ghar to le gaya, but he locked him inside, usko andar band kar diya. Then again he went back to Lakshman's house, aur Lakshman ke ghar jaake bahut zor zor se rone laga, weep karne laga. तो लक्ष्मण ने कहा व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ, वेयर इज माय सन, मेरा सन कहाँ है, वेयर मतलब कहाँ. ओ लक्ष्मण, व्हाइल आई वाज बेथिंग इन द रिवर अ हॉक स्वूप डाउन एंड कैरीड योर सन अवे. तो लक्ष्मण ने कहा, तो मनीराम ने कहा लक्ष्मण को कि जब वो बात ले रहा था तो एक हॉक ऊपर से उतरा, हॉक मतलब चील, ओके वो फ्लाई कर रहा था हाई हॉक. सो ये सब जो स्कैवेंजर्स होते हैं चिल्ड्रन, ये बहुत हाई अप इन द स्काई दे फ्लाई. तो वो स्कूप किया डाउन, ऑलराइट, और उसने उसके लड़के को उठा के ले गया. लक्ष्मण वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विद एंगर. नेचुरली लक्ष्मण कुड नॉट बिलीव ओके दिस, सो ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विद एंगर मीन्स चिल्ड्रन ही वॉज वेरी वेरी एंग्री, बहुत गुस्से में आया. ही शाउटेड, वो चिल्लाया मनीराम पर. Hearing the din, many villagers began to gather. ये commotion, ये fight को सुनने के बाद बहुत सारे villagers वहाँ पे जो आस पास जा रहे थे, और right, आस पास थे, वो सब इकट्ठे हो गए. तो लक्ष्मण was continuously saying the same thing, liar, cheat, I don't believe you. उसने कहा मैं आपको बिलीव नहीं करता. I tried to save your son, but the hawk flew away. और मनीराम was continuously saying the same thing, that he had tried his level best to save his son. उसने कोशिश तो बहुत की थी उसके लड़के को, लक्ष्मण के लड़के को बचाने की, लेकिन वो हॉक उसके लड़के को लेके उड़ चुका था. तो फ्यूरियस लक्ष्मण ड्रैग्ड मनीराम टू द सरपंच. तो लक्ष्मण बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया, और राइट, और उसने मनीराम को सरपंच के पास ले गए. और राइट, जब वो मनीराम को सरपंच के पास, सरपंच क्या होता है चिल्ड्रन, विलेज में ये जुडिशियल सिस्टम होती है, इन ऑर्डर टू गिव जस्टिस और राइट टू द विलेजर्स. तो एक सरपंच होती है पंचायत, उस पंचायत के 5 मेंबर्स होते हैं, सरपंच होते हैं, और राइट, एंड उस विलेज पंचायत के 5 मेंबर्स होते हैं, और उन लोग की जो हेड जो होते हैं सरपंच होते हैं, वो डिसाइड करता है क्या पनिशमेंट कन्विक को दी जाए. ओके ओके, आई विल कंटिन्यू द स्टोरी इन द नेक्स्ट पिक.